एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नई गेम प्ले वीडियो में। और आज हम एक बार फिर से खेलने जा रहे हैं कैफे ऑनर सिम्युलेटर। तो आप सबको याद होगा कि काफी टाइम पहले हमने इस गेम को खेला था, लेकिन उस समय क्या था कि सिर्फ इस गेम का डेमो हमें मिला था। लेकिन अभी इस गेम का जो प्रोलॉन्च वर्जन है वो रिलीज हो चुका है, जो कि काफी ज्यादा सही है। लगभग एक तरह से जो फुल वर्जन है ना उसी की तरह है। बस एक आ चीजें हमें देखने को नहीं मिलेगी, वो मिलेगी हमें फुल वर्जन में। लेकिन प्रोलॉन्च में भी इन्होंने काफी सारी चीजें ऐड करी है जो कि आज हम देखने वाले हैं, और अपना जो रेस्टोरेंट है उसको हम और भी ज्यादा बढ़िया बनाने वाले हैं। तो गाइस देखो, वो रहा सामने अपना छोटा सा रेस्टोरेंट जिसको हमने काफी टाइम पहले खोला था। लेकिन आप एक बार ग्राफिक्स को देखो कि ग्राफिक्स में कितनी चेंज आई है भाई। पहले जो ग्राफिक्स थे और ठीक ठाक थे, लेकिन अब जो ग्राफिक्स है भाई वो तो बिल्कुल ज़बरदस्त लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं अपने ग्राफिक्स से। और अपना जो रेस्टोरेंट है, वैसे देखो जब इसका प्रोलॉज आया तो दोबारा से गेम स्टार्ट हुई, मुझे सब कुछ दोबारा से करना पड़ा, लेकिन काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं मैंने वो कर दी है। लेकिन अभी कुछ नए टास्क मिले हैं जो कि आज हम करेंगे। देखो ये रहा अपना रेस्टोरेंट, और अंदर से देखो कुछ ऐसा दिख रहा है। मैंने चेंज करा है थोड़ा, जो पेंट वगैरह, जो सीलिंग का पेंट है, वॉल्स का पेंट है, ठीक है, उन सबको चेंज करा है। साइड साइड में मैंने एक जो लैंप्स है वो लगा दिए, जिससे जो रेस्टोरेंट के अंदर की लुक है वो और भी ज़्यादा सही आ रही है। और इस बार का जो पेंट वगैरह ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। पता नहीं एक एक साइड में ऐसा क्यों है कि पेंट देखो थोड़ा सा डार्क है, इधर थोड़ा सा लाइट है, पता नहीं ये क्यों है, लेकिन ठीक लग रहा है। फिर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और देखो ऊपर से भी जो अपने रूफ वगैरह है मैंने सारी बिल्कुल अच्छे से रिपेयर कर दी है। वॉल्स वगैरह, विंडो वगैरह, जितनी भी चीज़ें थी सारी मैंने अच्छे से रिपेयर कर रही है। और देखो ये रहा एक डियर, देखो पिछली बार क्या था ये ना हमें देख के भाग जाता था, लेकिन देखो अब आराम से घास चल रहा है भाई। इसको कोई परवाह नहीं है, इसको पता हम इसको कुछ कहेंगे नहीं, इसलिए आराम से इधर घास चल रहा है। लेकिन इसको छोड़ो, इसको देखते रहेंगे तो अपना सारा टाइम इसमें बीत जाएगा। आज हमें जो अपना रेस्टोरेंट है उसको थोड़ा सा और बढ़िया बनाना है। तो देखो अपने को यहाँ पे एक टास्क मिल चुका है, पेंट वगैरह और जो वॉलपेपर लगाने का काम है मैंने वो तो कर दिया। लेकिन अभी मुझे 3 स्मोक डिटेक्टर्स इंस्टॉल करने अपने कैफे के अंदर। यू हैव अनपेड बिल्स, एक मिनट रुको भाई, अभी मैंने अपना ये स्टार्ट तो करा नहीं। बिल किस बात का आ गया भाई? इलेक्ट्रिसिटी $0, गैस $0, वाटर $0, भाई साहब तीनों तो $0 दिखा रहा है, लेकिन फिर भी $80 का बिल पता नहीं कैसे बन रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैंने इसको पे कर दिया, नहीं तो अगर बाद में पे करूंगा मैं तो मुझे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी साथ में। लेकिन देखो अभी ना सिर्फ ये वाला जो ऑप्शन है डिलीवरी वाला, बस ये लॉक्ड है, ठीक है। वैसे लॉक्ड सारे ही हैं, लेकिन ये जितने भी है ना इनको जब हमारा लेवल अप होगा तो ये सारी चीज़ें अनलॉक हो जाएंगी। बस जो डिलीवरी वाला ऑप्शन है वो जब फुल वर्जन इसका आएगा तब जाके अनलॉक होगा। लेकिन फिर भी भाई काफ़ी सारी चीज़ें अपने पास है करने को। लेकिन उससे पहले ना मुझे 3 जो डिटेक्टर है ना उनको करना इंस्टॉल। कंस्ट्रक्शन का भी अभी ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन डिटेक्टर ये रहा, ठीक है, ये रहा स्मोक डिटेक्टर, तो इसको हम प्लेस कर देते हैं। ये जो सीलिंग है ना इनको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। कितने 3 करने ना मुझे प्लेस, तो एक काम करता हूँ ये इधर नहीं आएंगे क्या भाई? एक मिनट भाई, इतनी बढ़िया मैंने वॉल ऊपर की कर रखी, नहीं आ तो रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है, एक इसको ना सेंटर में कर देता हूँ, एक यहाँ पे, ठीक है, 2 मैं इस वाले मेन रूम में कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, और एक को ना चलते हैं इधर, और एक को मैं यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे ना जो अपना किचन है उसको हम सेट करेंगे। ओके चलो, ये तो अपना जो टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, एटलीस्ट 5 आइटम्स टू द मेन्यू, ठीक है। अब हमें जो 5 आइटम्स है ना उनको मेन्यू में ऐड करना है, ठीक है। तो जो अपना टैबलेट है उसको ओपन करते हैं। पैसे कितने अपने पास अभी? $5,407 अभी अपने पास पड़े हैं। और तो काफ़ी सारी जो नई डिशेज हैं ना इन्होंने ऐड कर दिए, जैसे कि ये है 7 अप पेप, नाम ही चेंज कर रखा भाई, चलो, लेकिन है वो वही है। काफ़ी सारे ये बार्स वगैरह हैं, ठीक है, इनको भी हम करेंगे। और देखो अभी ना वैसे तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, और वो जो येलो वाला डॉट है इसका मतलब अगर वो किसी पे शो होता है तो इसका मतलब वो सामान अपने पास है नहीं। तो मैंने एक काम करता हूँ, 5 जो आइटम्स हैं ना स्टार्टिंग की मैं अभी ना उन्हीं को ऑर्डर कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि किस डिश को बनाने के लिए कौन सा आइटम चाहिए, ठीक है, फिर हम एक एक करके सारी जो चीज़ें हैं वो मंगा लेंगे। लेकिन एक मिनट रुको, नहीं, एक से ज़्यादा आइटम हम इस बार भी नहीं उठा सकते, लेकिन कोई बात नहीं भाई, एक एक करके ना जितना भी सामान है वो सारा ये जो अपना फ्रिज वाला रूम है ना, ठीक है, इसमें जाके हम रख देते हैं। ओके, उसके बाद फटाफट से हमें जो अपना किचन है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। किचन मैं पीछे वाले रूम में बनाऊंगा, ठीक है, वहाँ पे किचन वगैरह बना के वर्कर वगैरह वहाँ पे हायर करेंगे, ठीक है। फिर अपना जो कैफ़े है, जो अपना ये रेस्टोरेंट है, इसको हम ओपन करेंगे, ठीक है। ये 3रा डब्बा, इसमें क्या चीज़ है भाई, ये पता नहीं क्या अजीब सी चीज़ है इसमें। चलो 3 डब्बे हो चुके हैं, बाकी इसमें इसको भी उठाते हैं, ठीक है। इसमें अपने टमाटर पड़े, फटाफट इसको भी चल के रखते हैं यहाँ पे 4। ओके, और उसके बाद बचे अपना ये लास्ट बॉक्स, इसको भी उठाते हैं, ठीक है। इसमें ये क्या पाई है शायद से, हाँ ये पाई है, तो इसको भी मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। चलो एक सेकेंड, ये क्या हुआ भाई, मैंने 5 चीज़ें तो खरीद ली लेकिन ये वाला टास्क अभी कम्प्लीट नहीं हुआ। एक सेकेंड, ये क्या भाई, 5 चीज़ें और मंगानी पड़ेगी क्या मुझे? नहीं, 5 तो मैंने मंगा लिए है,
एक काम करता हूँ, सारी मंगा लूँ। एक सेकंड, ही था क्या भाई मेन्यू में ऐड कर रहे थे। एक मिनट यार, मेन्यू वाला ऑप्शन कहाँ, ये रहा। ठीक है, मुझे लगा मुझे सामान मंगाना है लेकिन उनको मेन्यू में ऐड करना था, तो काफ़ी और भी जो डिशेस है ठीक है वो अभी लॉक्ड है। ठीक है, जो अपना लेवल है उनको हमें बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ से इनका जो प्राइस है मैं वो भी बढ़ा सकता हूँ ठीक है, लेकिन नीचे 4-5 ठीक है काफ़ी सारी डिशेस है। एक एक मैं इनका जो प्राइस है वो बढ़ा देता हूँ ताकि थोड़ा सा ज़्यादा हमें पैसा मिले। ठीक है, एक काम करते, इतना बहुत रहेगा ठीक है, $6-6। अगर ज़्यादा महंगा कर देंगे स्टार्टिंग में तो भाई कस्टमर आएंगे नहीं ठीक है, इसलिए बस एक एक दो दो हम इनका जो प्राइस है वो बढ़ाने वाले हैं। ओके, और उसके बाद एक सेकंड, मैंने भाई उनको ऐड भी तो करना है, एक मिनट इसको करते हैं यहाँ पे ठीक है। इनको ऐड करना है, ऐड कैसे करें इनको, मैंने ये प्राइस तो बढ़ा दिया। एक सेकंड, नहीं 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 ऐसे नहीं होगा, इससे तो खाली प्राइस बढ़ रहे, ये ऐड ऐसे नहीं होगा। एक काम करता हूँ मैं, प्राइस कम ही कर देता हूँ थोड़ा सा ठीक है, और 10 कर 11 कर देते हैं। और यहाँ, अच्छा ठीक है, यहाँ से होगा ये ठीक है। एक ही थे, 5 करने ना, 2 हो चुके हैं। तो उसके बाद करते हैं हम एक सुशी चीज़ 4 होगी। उसके बाद एक ये कर देते हैं लसंगना, भाई पता नहीं क्या चीज़ है, काफ़ी सारी और भी डिशेज़ है लेकिन मैं अभी ये वाली कर देता हूँ ठीक है। 5 हमने कर दिया और अपना जो टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है। और अब मुझे क्या करना है, नया लेट्स ऑर्डर कुकिंग फूड फॉर कुकिंग ओपन टैबलेट ठीक है। मुझे कुछ सामान, मैंने सामान पहले ही मंगा लिया था, चलो कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा बहुत जो सामान है वो अभी दोबारा से मंगा लेता हूँ। जैसे कि ये फ़िश हो जाएगी, उसके बाद अपना हो जाएगा ये 2-3 ब्रेड, और एक मंगा लेते हैं ये क्या कहते हैं, ये क्या चीज़ है, ये भी कुछ है जो भी है वो मंगा लेते हैं ठीक है। कितनी 5 होगी ना, हाँ 5 जो चीज़ें हमने मंगा लिया। और अभी फटाफट से इनको उठा के डालना पड़ेगा हमें फ्रिज में ठीक है। तो अभी जल्दी जल्दी ना एक एक करके जितना भी सामान है फटाफट से इनको मैं फ्रिज में रख देता हूँ ठीक है। उसके बाद बस हमें किचन इंस्टॉल करना है, उसके बाद अपना काम हो जाएगा ठीक है। बस ठीक है, कैश रजिस्टर, किचन और किचन टेबल, ओवन एंड रेफ्रिजरेटर ठीक है, ये कुछ चीज़ें जो कि अभी मुझे इंस्टॉल करनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, लेकिन उससे पहले फटाफट से जो सामान हमने मंगाया ठीक है इनको जल्दी से फ्रिज में डाल देते हैं ठीक है। कितने हो गए, 3 डब्बे हो चुके, बस ये है एक चौथा डब्बा ओके। फटाफट से इसको भी रखते हैं इसके अंदर 4, और बस बचा एक लास्ट बॉक्स ठीक है। इसको भी उठाते हैं और इसको भी फटाफट से चल के रख देते हैं हम अपने इस वाले रूम में। चलो भाई, 5 के 5 जो बॉक्स उनको हमने रख दिया इस वाले रूम में। और अब मुझे सबसे पहले एक जो कैश रजिस्टर है ठीक है उसको लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए जाना पड़ेगा हमें अपने सस्ते अमेज़ोन में। और उसके बाद हमें कैश रजिस्टर कहाँ पे है, एक सेकंड, ये नहीं है, ये नहीं है, ये फ्लोर है, सीलिंग, ये कैश रजिस्टर का ऑप्शन तो था भाई यहाँ पे, हाँ ये रहा ठीक है। देखो ये रहा कैशियर, तो इसको ना मैं यहीं पे इंस्टॉल करता हूँ। पिछली बार ना इसको मैंने यहीं पे रखा था और यहाँ पे ठीक लग रहा था ये, और इसको ना थोड़ा सा रोटेट करके रखना पड़ेगा हमें ओके। इधर ही ठीक रहेगा, एकदम कोने पे रहेगा ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा और पीछे, ज़्यादा पीछे हो जाएगा भाई साहब ये, एक सेकंड, मुझे थोड़ा सा और पीछे करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे ठीक है, नहीं यार थोड़ा सा और पीछे करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से मैं आ नहीं जा पा रहा, थोड़ा सा इसको रोटेट भी करना पड़ेगा, बिल्कुल सीधा रहेगा ना तो अच्छा लगेगा। हाँ ऐसे ठीक रहेगा, थोड़ा सा और पीछे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे ठीक रहेगा। चलो अब मैं, हम आराम से इधर उधर जा सकते हैं ठीक है। कैश रजिस्टर हो चुका है और अब बारी एक किचन को इंस्टॉल, किचन टेबल मुझे रखने की ठीक है। तो फटाफट से अभी ना जल्दी से जो किचन टेबल है, किचन टेबल हमें मिलेगा इस वाले ऑप्शन में, फर्नीचर नहीं सॉरी किचन में ठीक है। किचन टेबल ये रहा, किचन टेबल अपना ओके। तो इसको मैं इंस्टॉल कर देता हूँ, एक सेकंड, इसको ऐसे रोटेट करके रखता हूँ मैं यहाँ पे ठीक है। इधर पीछे आ जाएगा ना, हाँ आराम से आ जाएगा। चलो एक इधर हो जाएगा ओके, किचन टेबल हो चुका है। चलो अपना जो किचन है वो बिल्कुल मैंने सेट कर दिया ठीक है, सब कुछ लगा दिया, ओवन वगैरह, वाटर सिंक वगैरह, रेफ्रिजरेटर ठीक है, ये सब कुछ मैंने सेटअप कर दिया है। और इन पे जो क्या कहते हैं पावर है इनको ना मैंने वो भी दे दिए। और अब अपना एक काम और बचता है कि यहाँ पे जो टेबल्स वगैरह, चेयर्स वगैरह होती है ना, तो उनको रखने की। तो एक काम करता हूँ मैं, अंदर नहीं अभी ना, थोड़ी सी जो चेयर्स हैं हम बाहर रखते हैं, जैसे मैंने पिछली बार रखी थी ठीक है। तो मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे, एक मिनट को, टेबल्स वगैरह कहाँ मिलेंगे हमें, फर्नीचर में चलते हैं ठीक है। और यहाँ पे ये रहा टेबल, अभी तो भाई काफ़ी सारे और भी टेबल है, सोफ़ा वगैरह, लेकिन वो सभी अभी लॉक्ड है ठीक है। कितने level 5 पे, level 3 पे ये सब खुलेंगे यार, मुझे अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन चलो अभी के लिए मैं इसी को, नहीं भाई ये यहाँ नहीं प्लेस होंगे, इनको मुझे लग रहा कि रेस्टोरेंट के अंदर ही मुझे रखना पड़ेगा। एक सेकंड यार, यहाँ पे बाहर तो वो दूसरे वाले जो सोफ़ा है ना एक्सटीरियर वाले वो आते हैं, लेकिन वो भी सारे लॉक्ड है, इसलिए मुझे अभी जो अंदर ही ना थोड़ा बहुत जो चेयर्स वगैरह है ना, टेबल्स वगैरह, मुझे अभी अंदर ही रखनी पड़ेगी। एक बार थोड़ा सा अपना जो लेवल है वो बढ़ जाए, उसके बाद हम बाहर भी जो सोफ़ा वगैरह है ठीक है उनको भी रख देंगे, ताकि जो बाहर बंदे बैठ के खाना चाहते हैं वो बाहर बैठ के खा ले। तो 2 टेबल मैं रखता हूँ यहाँ पे, नाइस। चलो अपना जो लेवल है वो level 2 हो चुका है
ठीक है, ऐसे धीरे धीरे करके हम अपना जो लेवल वो बढ़ा लेंगे। लेकिन अभी एक मिनट रुको, दो टेबल अभी ठीक रहेंगे ना? अभी के लिए दो टेबल मुझे लग रहा है ठीक रहेंगे। हायर एन एम्प्लॉई एट द किचन एंड इंस्टॉल टू लैंप्स, ठीक है, मुझे दो लैंप्स इंस्टॉल करनी है और एक जो एम्प्लॉई है उसको हायर करना है। लेकिन उससे पहले ना अपना कैश रजिस्टर में मैं वो जो सप्लाई है ना पावर की, भाई वो देना भूल गया, तो यहाँ से ना इसको हम यहाँ से पावर दे देते हैं। चलो ये तो हो गया, अपने कैश रजिस्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आ चुकी है। ठीक है, मैंने दो लैंप्स इंस्टॉल तो कर दिया भाई साहब, एक सेकंड, मैंने लैंप्स तो दो क्या पाँच छः रख रखे हैं लैंप्स, लेकिन एक सेकंड रुको, इन दोनों का ना मैं दोबारा इधर करके रख देता हूँ ताकि ये टास्क अपना कंप्लीट हो जाए। चलो ये तो हो चुका है, बस मुझे एक जो एम्प्लॉई है ना उसको हायर करना है। लेकिन कैश रजिस्टर पे तो हम काम करेंगे, मैं किचन वाले पे करता हूँ। हाँ किचन पे, वैसे किचन टेबल पे करना है। ये क्या हुआ यहाँ पे, तो कोई बंदा नहीं दिखा रहा भाई हायर करने के लिए। ये क्या, सम इक्विपमेंट्स रिक्वायर वर्कर्स, एक सेकंड, सम इक्विपमेंट्स रिक्वायर वर्कर्स टू असाइन अ वर्कर दिस जॉब फर्स्ट यू हैव। अच्छा, इन्होंने एक नया वो दिया ऑप्शन मैनेजमेंट सेक्शन का, ठीक है, तो हमें वहाँ से एक जो वर्कर है ना उसको हायर करना पड़ेगा। क्या बात है, ठीक है, तो मैनेजमेंट ये रहा अपना। ठीक है, यहाँ से करते हैं इसको क्लोज, एक सेकंड, और अभी ना यहाँ पे ये क्या है, फाइंड न्यू एम्प्लॉयज़, ठीक है, यहाँ से हम न्यू एम्प्लॉयज़ को ढूंढ सकते हैं। तो इसको मैं करता हूँ पे, ठीक है, दो एम्प्लॉयज़ है, ये वाला काफ़ी सही है, इसकी स्पीड ठीक है, ठीक है, और मोटिवेशन भी ठीक है, इसी को मैं कर लेता हूँ। बेशक थोड़े से ज़्यादा पैसे ले रहा है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, काम तो जल्दी जल्दी करेगा ना। और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ इसका जॉब को असाइन, ठीक है। चलो, जो अपना एम्प्लॉई है वो आ चुका है भाई, बढ़िया से काम करना, ठीक है, एक नंबर अपना जो रेस्टोरेंट है उसको हम चलाएंगे, ठीक है। वर्कर भी आ चुका है, और अब बारी है मुझे दो जो बायो टॉयलेट्स होते हैं ना उनको बाहर इंस्टॉल करने की, ठीक है। तो टॉयलेट्स ये रहे, इनको मैं कर देता हूँ एक को यहाँ पर इंस्टॉल, ठीक है, एक हो जाएगा अपना थोड़ा सा पीछे, और एक, ठीक है, और उसके बाद ये दूसरे को कर देते हैं। ये साथ साथ नहीं आएंगे क्या, थोड़ा थोड़ा गैप देकर रखना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको यहीं पर रख देता हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा इधर आगे पीछे हो गया, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, इसको थोड़ा सा मुझे पीछे करना पड़ेगा, और पीछे हल्का सा, ठीक है, यहाँ पर ठीक रहेगा ये। और ये वाला इसको भी थोड़ा सा और पीछे हम कर देते हैं, एक एक साथ आ जाता ना दोनों साथ में तो ठीक रहता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। चलो, दो जो बायो टॉयलेट्स थे उनको भी हमने कर दिया है ओपन एंड, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट एंड सर्व 50 कस्टमर्स, ठीक है, हमें 50 कस्टमर्स को सर्व करना है। लेकिन उससे पहले गार्बेज वगैरह तो अभी है नहीं ना, गार्बेज तो काफ़ी कम है भाई। अभी एक काम करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ ओपन, ठीक है, जो अपना रेस्टोरेंट है वो ओपन हो चुका है। और यहाँ पे अगर स्टैट्स में देखा जाए तो अभी तो कोई सेल वगैरह हुई नहीं है, लेकिन देखो भाई $5,171 हमें मैंने अपने रेस्टोरेंट में लगा दिए, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, ये सारा पैसा तो हम वसूल कर लेंगे, अभी तो सेल वगैरह कोई हुई ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इन स्टैट्स से हम पता कर सकते हैं कि अपना जो काम वगैरह वो कैसा चल रहा है, ठीक है, सेल्स में प्रॉफिट वगैरह कितना हो रहा है। लेकिन उससे पहले एक मिनट रुको, अपना सामान तो काफ़ी सारा पड़ा है ना अपने पास, मैं थोड़ा सा और सामान मंगा लूँ क्या, और ये लेवल, ये क्या वॉल पेपर में, ठीक है, मैं अपने टैबलेट का जो वॉल पेपर है ना उसको भी चेंज कर सकते हैं, मैं ये वाला रख देता हूँ, ठीक है, ये भी ठीक है। और मेल में अगर चेक करें, नहीं अभी अपने को कोई मेल यहाँ पे आई नहीं है। तो थोड़ी देर तक वेट करने के बाद आखिरकार एक नहीं भाई दो तो जो कस्टमर है वो अपने रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ रहे हैं भाई, लाइन वाइज आ रहे हैं। चलो बहुत ही बढ़िया, इससे भीड़ भी काफ़ी नहीं होगी, ठीक है, देखते हैं कि आखिरकार इन्हें क्या क्या चाहिए। चलो भाई, इनको हम थोड़ा सा डिस्काउंट दे देंगे। भाई क्या डिस्काउंट देने की बात कर रहा था, नॉट इनफ, एक मिनट यार, अपने पास कुछ सामान अभी अपने पास पड़ा नहीं है, ठीक है, तो इसलिए भाई दोनों ग्राहक तो आए लेकिन दोनों चले गए। एक सेकंड, मैं एग्जिट कैसे करूँ इसको, नहीं भाई एग्जिट का ऑप्शन, ठीक है, ये पड़ा, ठीक है, मैं यहाँ से कर देता हूँ। लेकिन यार भाई पहले ग्राहक आए और वो दोनों ही चले गए यार। चलो कोई बात नहीं, मैं काम करता हूँ, मैंने थोड़े से जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो जो है नहीं अपने रेफ्रिजरेटर में, मैं उन सबको ऐड कर लेता हूँ। और कुछ है क्या, ये भी है, ठीक है, ये है कॉर्न है, ये मिल्क है। चलो अब मैंने सब कुछ ऐड कर लिया है, बाकी ये सब यार इनको भी मैं कर ही लेता हूँ, ठीक है, ये सबको भी कर ही लेता हूँ, एक ये है, उसके बाद नीचे के जो दो है ना इनको भी हम कर ही लेते हैं, ठीक है। अभी सारा सामान मैंने मंगा लिया है, ओके, और ये जो बॉक्स है भाई, इतने सारे बॉक्स इकट्ठे हो चुके हैं, तो फटाफट से इनको उठाते हैं और जल्दी से जाके जो अपना ये वाला रूम है इसमें रखते हैं। और उसके बाद एक सेकंड, ये बंद क्यों हो गया, उसके बाद हम कस्टमर्स को सर्व करेंगे, ठीक है। अब तो हमने सब कुछ मंगा लिया है, एक मिनट, ये इनको मैं इधर रख नहीं पा रहा भाई, एक सेकंड, ये क्या सीन है भाई, इनको मैं रख नहीं पा रहा इस डब्बे को, इसमें क्या पड़ा है, ठीक है, इसमें भी है कुछ ना कुछ, और इसमें इसमें मिल्क है। हाँ एक सेकंड, एक काम करते हैं भाई, बिल की चीज़ के आगे दोबारा, अच्छा ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के आए होंगे। लेकिन देखो ये सब चीज़ें मैं रख पा रहा हूँ, लेकिन वो जो नीचे की चीज़ें थी ना, वो जो स्नैक्स वगैरह थे उनको नहीं रख पा रहा मैं अपने रेफ्रिजरेटर वाले रूम में। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो वेजिटेबल्स वगैरह ना, इन सबको तो अभी मैं फटाफट से जाके रखता हूँ,
ठीक है देखो, एक ये भी स्नैक्स है ना, पता नहीं कुछ है ये, इसको भी मैं यहाँ पे रख नहीं पा रहा, इसको मैं इधर ही एक काम करता हूँ, इधर ही मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है अभी के लिए। भाई साहब बाहर निकलेंगे, कुल्फी बन जाएगी अपनी, ठीक है। दो कस्टमर और आ रहे हैं भाई साहब, प्लीज़ यार ये कुछ ना कुछ तो लेके आए, कम से कम अपने अपने रेस्टोरेंट की थोड़ी सी बोनी तो करे भाई ये। इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। आइए आइए एक सेकंड, सम विजिटर्स कैन लीव फुटप्रिंट्स ऑन द फ्लोर, ठीक है मैं साफ़ करता हूँ। ये दोनों भी जा रहे हैं यार, भाई साहब जा तो रहे दोनों, लेकिन इधर जूतों चप्पलों के निशान छोड़ के गए हैं, मुझे इनको साफ़ करना पड़ेगा। लेकिन चलो सबसे पहले ना जितने भी ये बॉक्स है ना, मैं पहले इनको रखता हूँ, ठीक है। चलो भाई शुक्र है कम से कम एक कस्टमर तो आके रुका। इसको क्या चाहिए? पिज़्ज़ा मार्गरीटा, ठीक है। तो पिज़्ज़ा कहाँ पे है? पिज़्ज़ा 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 ये रहा, ठीक है। इसको चाहिए ये वाला पिज़्ज़ा, तो इसको मैं कर देता हूँ। चलो इसको मैंने कर दिया, बाकी अब ये जाके आराम से इधर बैठ जाके, ठीक है। बस मैडम 2 मिनट वेट करो, हम फटाफट से आपका पिज़्ज़ा लेके आते हैं, ठीक है। खाना और पैसे दे के जाना, और मैं एक काम करता हूँ अपने ना पहला जो वर्कर है उसको देख लेता हूँ भाई, काम करना ठीक है, ढंग से काम करियो भाई, फटाफट काम कर। अगर वो चली गई ना तो ये सब तुझे खाना पड़ेगा, और पैसे भी मैं इसी से वसूल करूँगा। चलो भाई इसने जो पिज़्ज़ा है वो डाल दिया उस ओवन में, और अब बस थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा, ठीक है। एक आध बॉक्स पड़ा, तब तक एक काम करता हूँ मैं, फटाफट से जाके इसको इस वाले रेफ्रिजरेटर रूम में रख देता हूँ, खुल जा सिम सिम, ठीक है। इसको प्लेस करते हैं यहाँ पे, और बाकी जो बॉक्स आ नहीं रहता ना, मैंने उनको भी बोला जो रूम में उसमें रख दिया। क्या बात है, बड़ी जल्दी भाई इसने बना दिया। इसको यहाँ से हम उठाते हैं, एक सेकंड यहाँ कहाँ गया, वैसे इसको उठाऊँ कैसे मैं, इन्होंने चेंज कर दिया। अच्छा ठीक है, इसमें जाना पड़ेगा, इससे करना पड़ेगा टेक। भाई बड़ा ही लजीज लग रहा है यार ये, तो मन तो कर रहा है मैं ही खा जाऊँ, लेकिन इसको खिलाना पड़ेगा यार। चलो भाई साहब इसको जो इसका पिज़्ज़ा वो मैंने दे दिया है, ठीक है, और आराम से भाई ये खाएगी, ठीक है ये पिज़्ज़ा। और क्या पता 3-3 कस्टमर और आ चुके भाई, क्या चाहिए? ठीक है फटाफट से काम करता हूँ, इसको भी चाहिए पिज़्ज़ा, लेकिन इसको दूसरा पिज़्ज़ा चाहिए, कौन सा ये भाई जो भी है, इसको मैं करता हूँ। कहाँ पे है ये रहा, ठीक है इसको मैंने कर दिया। और देर आर नो एम्प्टी टैप्स इन योर रेस्टोरेंट, देर क्या हुआ भाई? अरे यार भाई ये कस्टमर ना, कुछ कुछ जो कस्टमर से वो चले जा रहे हैं, लेकिन बिल भी आ चुके भाई बिल, ठीक है कितना है? $44 का ना, ये ले भाई तू बिल पकड़ सबसे पहले। और अब मैं एक काम करता हूँ, हाँ इसको एक सेकंड रुको, रेस्टोरेंट रेटिंग, अभी रेटिंग तो काफ़ी कम होगी भाई अपनी, मैं मेन्यू में चलता हूँ। ओके ये अच्छा ठीक है, पैसे टेबल पर रख के जाते हैं। कितने मिले हमें? सिर्फ $4 भाई उस पिज़्ज़ा स्लाइस के, सिर्फ $4 हमें मिले, लेकिन कोई बात नहीं। अब ये काम करता हूँ मैं, मेन्यू में चल के ना ये वाले जो चीज़ें हैं, जो डिशेस हैं ना, इन सबको भी मैं इधर ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि तो जो कस्टमर आ रहे हैं ना वो ये सब भी मांग रहे हैं, लेकिन इनको मैंने ऐड नहीं कर रखा ना। ये कैसे साउंड आ रहा है भाई साहब? ये काम अभी ये क्या हुआ भाई साहब? ये क्या हुआ? स्टॉर्म आ रहा है क्या? आवाज़ तो ऐसे लग रही है भाई, कहीं आग उग लगी है। तो भाई साहब ये मेरा कैफे उड़ा के ना ले जाइए अपने साथ में। एक मिनट को, एक कस्टमर आ चुका है तो कम, भाई साहब कुछ ना कुछ तो टूटा यार, कुछ तो टूटा है मुझे, साउंड आ गया है। इसको मैं पहले पकड़ाता हूँ इसका पिज़्ज़ा, इसको क्या चाहिए? इसको एक मिनट देख लेते, ठीक है इसको भी पिज़्ज़ा चाहिए, तो फटाफट चलते भाई। कुछ ना कुछ टूटने फूटने की आवाज़ आ रही है यार, ये जो स्टॉर्म है ना, पहले तो नहीं आता था भाई, अब आ रहा है। एक सेकंड बस भाई, बंद हो जा। चलो ये तो बंद हो गया भाई, एक मिनट क्या टूटा? ओ भाई ऊपर के जो रूफ है ना उसको तोड़ दिया उसने, नीचे की वॉल्स भी तोड़ दिया है, साथ ही साथ इधर कचरा भी फैला दिया। इन सबको मुझे अभी साफ़ करना पड़ेगा यार, लेकिन उससे पहले ना मुझे ना टूल्स में जाके बाय करना पड़ेगा एक मॉप, ठीक है, ताकि जो जूतों चप्पलों के निशान है ना मैं इनको साफ़ कर दूँ, नहीं तो कस्टमर अगर ये देखेंगे, ये क्यों निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है, नहीं तो कस्टमर अगर इन्हें देखेंगे ना तो भाई वो रेटिंग कम कर देंगे अपने कैफ़े की, अपने रेस्टोरेंट की, तो उससे भाई कस्टमर भी काफ़ी कम आएंगे, ठीक है। वो भी कस्टमर जा चुके हैं खा के, अभी उससे पैसे लेने बाकी, लेकिन ये ऑर्डर रेडी हो चुका है, इसको करते हैं उठाते हैं यहाँ से, ठीक है, और जाके इनको दे देते हैं। लो भैया आराम से खाओ इसको, और अपने पैसे यहाँ से मैं ले लेता हूँ। कितने मिले हमें? $10। चलो नाइस, काफ़ी ज़्यादा सही है, ठीक है। लेकिन उससे पहले भाई ये जो बाहर स्ट्रॉम ने जो लीव्स वगैरह इकट्ठी करी है ना, इन सबको मुझे साफ़ करना पड़ेगा। एक इधर भी है, इसको भी मैं साफ़ कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद विंडो वगैरह तो ठीक है, लेकिन नीचे की जो टाइल्स है ना ये बिगाड़ दिए, तो इनको मुझे सबसे पहले दोबारा रिपेयर करना पड़ेगा। इधर भी एक है, इसको भी मैं कर देता हूँ। एक इधर है, इसको भी कर देते हैं। एक सेकंड हुई नहीं है, चलो अब होगी। और उसके बाद एक यहाँ पे, एक मिनट ये क्या? अबे बैगर बैगर भाई, वैसे भी तो गायब ही हो गया, तो गायब हो गया। मैं सोचा था कि उसको मैं कुछ पैसे वगैरह दे दूंगा, लेकिन उससे पहले ही वो गायब हो गया। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको सफाई करता हूँ, वो तो बाद में भी दोबारा आ जाएगा। ठीक है ठीक है, इधर का ठीक है ना सब कुछ। विंडो वगैरह तो नहीं तोड़ी ना? ये सब तो नहीं तोड़ा, बस नीचे की टाइल्स वगैरह बिगाड़ दिया, और ऊपर की रूफ़ भी मुझे भी जाके ठीक करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले एक कस्टमर आ चुका है, ठीक है। इसको क्या शूशी चाहिए इसको, ठीक है। तो शूशी शूशी कहाँ पे? ये रही, इसको चाहिए कौन सी? ये वाली, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ ऑर्डर।
चलो अपना ये जो क्या कहते हैं ऑर्डर है मैंने अपने वर्कर को दे दिया, वो खाना उधर बनाएगा, मैं पैसे उठा लेता ना, तो भाई ये उठा लेगा यहाँ से। बाकी अपना लेवल कितना होगा अभी, तो भाई काफ़ी टाइम लगेगा यार आगे लेवल करने में ना, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन भाई कॉकरोच इतने सारे हो चुके हैं, एक सेकंड भाई, सबको मुझे हटाना पड़ेगा यहाँ से, नहीं तो ना बीमारी फैला देंगे और कस्टमर अपनी पिटाई करेंगे फिर। तो इन सबको मैं साफ़ कर देता हूँ, ठीक है। चलो सारे कस्टमर्स को हमने सारे कॉकरोचेस को भगा दिया, मैं कस्टमर्स कह रहा था। यहाँ से ये उठाते हैं, करते हैं इसको टेक। और सुशी भाई ये भी काफ़ी लजीज लग रही है। लो सर ये आपकी ये रही सुशी, इसको खाओ, मजे उड़ाओ, ठीक, और पैसे दे के जाओ। एक कस्टमर और आ चुका है, मुझे जाके जो रूफ है ना उसको रिपेयर करना है। लेकिन भाई कस्टमर आते जा रहे हैं भाई साहब, देखते कि इसको क्या चाहिए। ओके इसको भी चाहिए सुशी चीज़, ठीक है। तो ये रही सुशी और चीज़, चीज़ वाली कहाँ पे है, ये पड़ी, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ। चलो टेक टू मोर ऑर्डर, एक सेकंड। अबे भाई यार ये चूहा कहाँ से निकल गया, कहाँ गया मेरा नेट, कहाँ गया ये, इधर इधर इधर। अबे भाई साहब रुक जा तेरी, अबे उसकी पैंट में कहाँ घुस रहा भाई, इधर इधर इधर। चलो पकड़ लिया, ठीक है, इस चूहे को मैंने पकड़ लिया। लेकिन इधर थोड़ा सा निशान आ चुका है, इसको मुझे साफ़ करना पड़ेगा, ठीक है। एक इधर भी है, दो हैं इधर, इन दोनों को भी फटाफट से मैं साफ़ करता हूँ। चलो ये भी हो गए, ओके, और इसने रेडी कर दे इसको फटाफट। भाई तू तो कुछ ज़्यादा जल्दी काम नहीं कर रहा भाई, अपना जो वर्कर है बहुत ही जल्दी काम कर रहा है। लो भाई ये दोनों भाई हैं क्या, भाई लोग तो वैसे रहे, दोनों सूट बूट पा के आए हैं, ठीक है। ये तो हो गया, और अभी फटाफट से हम चलते हैं रूफ पे, और वो जो टाइल वहाँ से निकल गई है ना, पहले मुझे उसको रिपेयर करना पड़ेगा। कहाँ से निकली है, एक कस्टमर नीचे और आ चुका भाई, दो दो निकल रखी है, रुको पहले मैं इसको करता हूँ रिपेयर, उसके बाद इसको कर। इधर भी है भाई साहब, ठीक है, ये हो जा, एक सेकेंड। चलो हो गया ये भी, ठीक है, सारा हमने कर देना। हाँ चलो एक सेकेंड यार, कुछ चीज़ अभी ख़त्म हो चुकी है, एक सेकेंड, कुछ जो डिशेज है ना सामान है वो ख़त्म हो चुका है, तो मुझे उनको ऑर्डर करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, हम चलते हैं फूड स्टोर में। क्या कम है भाई अपने पास, ठीक है ये कम है, तो मैं इसको ऑर्डर कर लेता हूँ, बाकी सब कुछ पड़ा है ना। हाँ चलो बाकी तो सब कुछ अपने पास पड़ा है, एक चीज़ कम थी उसको भी मैंने मंगा लिया, ठीक है। इसको उठाते हैं और फटाफट से जाके इसको जो अपना ये वाला फ्रिज वाला रूम है जल्दी से मैं इसके अंदर रख देता हूँ। पैसे उठा लेता हूँ सबसे पहले, कितने $16, नाइस, सुशी के बदले हमें $16 मिले, ठीक है सही है। अभी मैं प्राइस नहीं बढ़ाऊंगा, ठीक है, अभी प्राइस हम बढ़ाते नहीं है। और अभी एक काम करता हूँ मैं, मेरा लेवल 2 हो चुका है ना, तो एक बार चलते हैं हम उस वाले ऑप्शन में एक्सटीरियर में, ठीक है। क्या पता अब मैं जो बाहर वाले जो टेबल्स वगैरह है अभी भी नहीं कर सकते भाई, लेवल 3, 4, 5 कम से कम लेवल 3 तो चाहिए भाई साहब। एक ये नकली सी चीज़ है, इसको कौन करेगा यार, कम से कम लेवल 3 तो चाहिए। अगर मुझे एक आध टेबल बाहर रखना है कोई बात नहीं भाई, लेवल 3 हम फटाफट से कर लेंगे, ठीक है। अभी तो काफ़ी कम है भाई साहब, अभी तो काफ़ी ज़्यादा कम है, कोई बात नहीं। अभी एक काम करता हूँ मैं ना, गेम्स का जो ऑप्शन है, ठीक है, इधर भी है, लेकिन इनके लिए भी लेवल भाई ज़्यादा चाहिए भाई साहब। इनसे भी अपने को काफ़ी दबा के पैसा मिलेगा भाई, एक बार ये जो देखो आर्केड मशीन्स भी है, ठीक है, इनसे तो अपने को काफ़ी अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। ये किसका ऑर्डर था, ठीक है, इन सर का ऑर्डर है, इनको ये दे देते हैं भाई, ये काफ़ी टेस्टी डिश लग रही है यार ये, लेकिन कोई बात नहीं, वो खाएगा हम थोड़ी। और अभी मैं काम करता हूँ भाई, मैं ना एक आध और जो टेबल चेयर्स है ना, मैं उनको भी इधर रख देता हूँ, ठीक है, ताकि और भी जो कस्टमर्स है वो आते रहे। एक काम करता हूँ मैं, एक नया ऑर्डर आ चुका है, लेकिन उससे पहले एक सेकेंड, ये यहाँ पर आएगी, थोड़ा सा इसको ना रोटेट कर देता हूँ मैं, ऐसे को थोड़ा सा और रोटेट, और इसको मैं यहाँ पे अगर प्लेस कर दूँ, ज़्यादा पीछे नहीं हो रही, यहीं तक होएगी। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक भी ये ठीक है, क्योंकि वैसे तो मेन हमें बाहर ज़्यादा टेबल्स वगैरह रखने हैं, बस एक बार हमारा थोड़ा सा लेवल अप हो जाए, लेकिन ये भी ठीक ही लग रहा है वैसे। एक कस्टमर भाई इतनी देर से खड़ा, इसका क्या है, पिज़्ज़ा फोर चीज़, एक सेकेंड, ये क्या करते हैं, मैंने अभी कोई डिश तो रेडी हुई नहीं, इसको यहाँ से करते हैं इसको कैंसिल, और अभी एक चलते हैं यहाँ पे, मैं इसको ऑर्डर कर देता हूँ, कहाँ गया पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा फोर चीज़ है ये वाला, ठीक है चलो इसको मैंने कर दिया। तो गाइस देखो अभी ना अपने रेस्टोरेंट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही थी भाई, काफ़ी सारे कस्टमर्स ना एक ही टाइम पे आ जा रहे थे, और अपने पास सिर्फ एक ही एम्प्लॉय था, तो इसलिए मैंने ना तीन तीन जो किचन टेबल है उनको इंस्टॉल कराए, और अब हम इधर से जो 3 एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, उनको हायर करने वाले हैं, क्योंकि मैंने एक को तो कर दिया, बाकी अभी तो कोई एम्प्लॉय है नहीं। टोटल सैलरी पर डे, एक सेकंड यार, कोई दूसरा एम्प्लॉय नहीं है क्या, ठीक है एक और आ गया, ओके इसको भी मैं करता हूँ, सबसे पहले इसको करना पड़ेगा हमें पे, ठीक है चलो दो, ये कितना है, ठीक है इसका स्पीड थोड़ी कम है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए मैं कर लेता हूँ। अगर हमें कोई दूसरा एम्प्लॉय मिलेगा, ठीक है, तो हम उसको हायर कर लेंगे, नहीं तो इसको भी छोड़ो बेचारा भाई, थोड़ा सा पैसे कमा लेगा, ठीक है ठीक है। तीन तीन जो एम्प्लॉयज़ है हमने उनको हायर कर लिया है,
और बस यहाँ पे मुझे उनको जो उनकी जॉब है उनको असाइन करना है। ठीक है, एक ये हो गया। ठीक है, इसकी भी जो जॉब है इसको कर देते हैं असाइन। ओके, दो, और ये रहा अपना तीसरा किचन टेबल। ठीक है, इसको भी यहाँ पे कर देते हैं असाइन। चलो भाई, तीन तीन जो अपने पास अब इधर शेफ हो चुके हैं। ठीक है, ये तीनों फटाफट से काम करेंगे और अब अपने रेस्टोरेंट में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। तो सही में भाई काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगी थी, इसलिए मैंने जो अपना रेस्टोरेंट है ना उसको भाई बंद ही कर दिया था। लेकिन चलो, अब मैंने उसको दोबारा से ओपन कर दिया। और तुम तीनों कान खोल कर सुन लो भाई, बढ़िया से काम करना है, फटाफट काम करना है ताकि अपने रेस्टोरेंट में ज़्यादा भीड़ ना हो। एक मिनट, वो किसके जूते के निशान है, पहले इसको साफ कर देता हूँ। ठीक है, और 14 कस्टमर्स को हमने सर्व कर दिया, लेकिन 50 को करना है। कोई बात नहीं भाई, 50 को भी हम फटाफट से कर ही देंगे। लेकिन एक मिनट रुको, फर्नीचर में जाते हैं और ना मैं एक जो और टेबल है ना, ठीक है, उनको भी इधर रख लेता हूँ। यार नीचे वाला टेबल कितने ज़्यादा सही लग रहा है भाई साहब, लेकिन वो सारे अभी लॉक्ड पड़े हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके हम सब कुछ करेंगे। इसी को मैं फ़िलहाल करता हूँ। ठीक है, एक टेबल रखते हैं हम, इसको ऐसे रखता हूँ मैं। ठीक है, एक को रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद एक टेबल को रखता हूँ मैं इधर। चलो, अब अपने पास 4-5 टेबल हो चुके हैं। नाइस, कस्टमर भी आने स्टार्ट हो चुके हैं। चलो भाई, बहुत ही बढ़िया। अब तो जितने मर्जी कस्टमर्स आ जाए, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। फटाफट से इनको आने देते हैं अंदर। ठीक है, देखते क्या कर इन्हें चाहिए क्या। ओके, वैसे मैंने काफ़ी सारा जो सामान है वो मंगा तो रखा है। ठीक है, इसलिए कोई कस्टमर वापस जाना नहीं चाहिए। पिज़्ज़ा फॉर चीज़, तो चलते हैं हम पिज़्ज़ा वाले ऑप्शन में। ठीक है, उसके बाद ये रहा पिज़्ज़ा फॉर चीज़। अब देखो, अब ना मैं एक ही बार में तीन तीन जो कस्टमर्स के ऑर्डर है, ठीक है, उनको कर सकता हूँ, क्योंकि अब अपने पास तीन तीन वर्कर जो हो चुके हैं। ठीक है, इन दोनों का जो ऑर्डर है वो मैंने ले लिया। ठीक है, जैसे इनका सामान रेडी होता है, जैसे खाना वगैरह रेडी होता है, वैसे ही इनको हम ला के सर्व कर देंगे। तो ठीक है, आज के इस वाले एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको ये वाला एपिसोड बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिसने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करा फटाफट से जाके फॉलो कर लो। और फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल भी मत भूलना।